साउथ दिल्ली की डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को एक नया मामला दिखाई दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली क्राइम सीजन 2 की। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली क्राइम का पहला सीजन 2019 में आया था, जो कि 2012 में हुए दिल्ली के कुख्यात गैंगरेप पर आधारित था, जिसे सर्वश्रेष्ठ सीरीज के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी मिला था। अगर हम बात करें कि हमें सीजन 2 क्यों देखनी चाहिए, तो इसके कुछ कारण हैं। पहला, एक अच्छी क्राइम थ्रिलर किसे पसंद नहीं, हर कोई एक अच्छे रहस्य का मजा लेना चाहता। दूसरा, डीसीपी वर्तिका जो कि शांति और समृद्धि की तलाश में लगी रहती है, जबकि उनकी इर्द गिर्द की दुनिया बिखरती रहती है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि इस बार दिल्ली क्राइम के अफसरों के पास में और भी जटिल मामला आ गया है। क्योंकि पहले सीजन में सीमित अपराधी थे, तब ये लोग इतना बौखलाए हुए थे, इस बार तो अपने गुस्से के चरम पर होंगे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, वो है इसकी कास्ट। पहले सीजन में से शेफाली शाह के साथ साथ राजेश तैलांग, रशिका दुग्गल, आदिल हुसैन और बाकी कई लोग दूसरे सीजन में भी एंट्री कर रहे हैं।